डैंड्रफ को जड़ से हटा देगा। इजी एक स्कैल्प के रूटीन निकाला है जो डैंड्रफ के लिए। आप दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑयली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ में? ऑयली डैंड्रफ होती है हल्की मोटी थिक होती है क्योंकि उस पर ऑयल चिपका रहता है, और जो ड्राई डैंड्रफ है बहुत। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan Azingra, your own The Formal Edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है डैंड्रफ, विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम। मैंने सीरियस वर्ड यूज क्यों करा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको खुजली होती है, एक्ने डेवलप हो सकता है, इससे आपको हेयर लॉस तक हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ऐसी क्या चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, जो आपको डैंड्रफ दे रही है और आपको पता भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, आइए बात करें। आगे बढ़ने से पहले आप ये जानिए कि डैंड्रफ की साइंस क्या है। सबसे पहले डैंड्रफ एक स्किन कंडीशन है, यूजुअली स्कैल्प पे ज्यादा होती है, लेकिन ये आईब्रोज में भी पाई जाती है, अंडर आर्म्स, मोस्टाश आपकी दाढ़ी में भी होती है। और क्या इसके अंदर होता क्या है, आपकी ईचिंग बढ़ जाती है, खुजली, और इसके अंदर फ्लेक ज्यादा गिरने बढ़ जाते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि डेड स्किन सेल्स जो आपकी नॉर्मल स्किन शेड करती है उससे ज्यादा स्पीड पे शेड होने लग जाते हैं डैंड्रफ की कंडीशन के अंदर। आपकी एक फन फैक्ट की बात बताऊं, 30,000 to 40,000 जो डेड स्किन सेल्स है आपकी नॉर्मली स्किन हर मिनट शेड करती है, और एक साल में 4 किलो। अब बात करेंगे मेजर कॉजेस की, क्या है डैंड्रफ के। सबसे पहला क्या है, ऑयली स्किन। जब आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, साथ में ईची, लाल, स्वेलिंग हो रही है और ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है, सीबम प्रोडक्शन ज्यादा है स्कैल्प पे, उसको कहते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। आपकी स्कैल्प पे एक फंगस ऑलरेडी होता है जिसका नाम होता है मेलासाया। अब जब उसकी श्रेडिंग ज्यादा हो रही है और ऊपर से तेल ज्यादा है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तभी अब जिनकी ऑयली स्किन होती है तो मोटे मोटे फ्लेक्स गिरते हैं डैंड्रफ के। और क्या दूसरा कॉज है, ड्राई स्किन। ड्राई जब स्किन है तो इरिटेट होती है, छोटे छोटे फ्लेक्स गिरते हैं ड्राई स्किन से, और ये यूजुअली कब होता है, जिनका यूजुअली स्किन टाइप ड्राई है या वो कोल्ड वेदर में जा रहे हैं, एक्सट्रीम चेंज इन वेदर में भी ये फ्लेक्स गिरते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑयली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ में। जिनकी ऑयली डैंड्रफ है यूजुअली थोड़ी सी पेल या पीले कलर की होती है, और जिनकी ड्राई डैंड्रफ है व्हाइट या ग्रे होती है। जो ऑयली डैंड्रफ होती है हल्की मोटी थिक होती है क्योंकि उस पर ऑयल चिपका रहता है, और जो ड्राई डैंड्रफ है बहुत छोटी होती है साइज। अगला कॉज है पुअर हाइजीन, बहुत टाइम तक बालों को ना धोना, जो आपकी ऑयल है, डर्ट है, और साथ ही साथ जो डेड स्किन सेल की श्रेडिंग है वो इकट्ठी हो जाए स्कैल्प पे, उससे भी कॉज हो सकती है डैंड्रफ। और क्या बहुत टाइम तक ब्रश ना करें, कंघी ना करें, तब भी आपकी जो श्रेडिंग इकट्ठी हो जाती है डेड स्किन सेल की, और अगर आप करेंगे तो हट जाएगी, तो डेली बेसिस पे ब्रश करें गोल वाला, या आप वुडन कोम भी कर सकते हैं, बट गीले वालों में ना करें। जब आप ज़्यादा ड्रायर और केमिकल्स यूज करते हैं उससे भी आपकी स्कैल्प क्या इरिटेट हो जाती है और ड्राई आउट हो जाती है, जिससे फ्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं। अगला है गलत प्रोडक्ट यूज करना या ज्यादा करना, जैसे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट है, एक्सेस में यूज करने से आपकी स्किन को इरिटेशन हो जाती है स्कैल्प को, और साथ ही साथ वो ड्राई आउट हो जाती है, फ्लेक ज्यादा गिरेंगी, डैंड्रफ प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम। आप अगर स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो आपका हार्मोनल इंबैलेंस ऊपर नीचे होगा, जिससे आपका सीबम प्रोडक्शन या मतलब जो तेल है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब डेड स्किन सेल है उसके ऊपर ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन है वो चिपक जाएंगे, तभी मोटी मोटी चिपकी चिपकी फ्लेक्स गिरती है, स्किन इरिटेट या लाल हो जाती है। अगला है गर्म पानी से ज्यादा नहाना, वो आपके एसेंशियल ऑयल को खींच लेता है, स्ट्रिप कर लेता है, और आपकी स्किन जो होती है ड्राई आउट हो जाती है, साथ ही साथ लाल, ईची, स्वेलिंग हो जाती है, तभी गर्म पानी से नहाना आप अवॉइड करें। डाइट बहुत मेजर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डैंड्रफ को बढ़ाता है घटाता है। ये प्रोडक्ट्स हैं जो सारी लिस्ट जो डैंड्रफ को बढ़ा देगी, जैसे कि फुल फैट डेरी, आपका फुल क्रीम वाला दूध ज़्यादा पी रहे हैं आप, या उसकी क्रीम ले रहे हैं आप ज़्यादा, या आप कोई कोक पेप्सी ले रहे हैं, या चिप्स या प्रोसेस फूड कोई ले रहे हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपका इंसुलिन स्पाइक करेगी। उस स्पाइक करने से क्या होगा, आपका हार्मोनल इंबैलेंस होगा, सिर पे तेल ज़्यादा आएगा और श्रेडिंग ज़्यादा होगी, मतलब डैंड्रफ ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ ये पूरी लिस्ट है जो आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम को कम करती है, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, विटामिन सी वाले फूड्स हो गए, और ये पीनट बटर हो गया लेकिन लो इन शुगर। ये पूरी लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वो लिस्ट है जो आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है। बहुत ही इजी एक स्कैल्प केयर रूटीन निकाला है जो डैंड्रफ के लिए आपके लिए। उसमें करना क्या है, आपको 6 से 8 घंटे सोना है, 10 मिनट उठते ही मेडिटेशन करनी है। इसका कॉम्बिनेशन हर बार बताता हूं, हार्मोनल इंबैलेंसेस को ठीक करता है, और तो और ऑयल प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक होता है इसका, और डैंड्रफ से भी, तो ये जरूर करिए। उसके बाद आपको खाली पेट 1 टेबलस्पून नीम लेना है, जो आपके पेट के लिए और सारी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये अल्टरनेट डेज पे लेना है, और आप जिस दिन आप नहीं लेंगे, जिनको डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत है, ईचिंग हो रही है, उसको काम डाउन करने के लिए वो सारे फूड्स का एक हमने लेमनेड बनाया है जो डैंड्रफ को जड़ से खत्म करेगा। 2-3 ड्रिंक पियेंगे आपको तुरंत फर्क आ जाएगा। क्या है उसमें, थोड़ा सा अदरक लिया है यानी कि जिंजर, 1/2 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है टर्मरिक यानी कि हल्दी, और थोड़ा सा इसमें पेपर डालेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर 1 नींबू डालेंगे, थोड़ी सी
बर्फ या हनी या स्टीविया डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इसको मिक्स करें अच्छे से, मिक्स करने के बाद इसे सर्व करें ग्लास में, और उसके ऊपर आप थोड़े सीड्स डाल सकते हैं विच कैन बी सनफ्लावर या फ्लैक्स सीड्स। इसके साथ साथ आपको कई चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि माइल्ड शैम्पू यूज करने हैं आपको, ज्यादा हार्श नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आप एंटी डैंड्रफ यूज करते हैं तो 1 से ज्यादा बार आप ना करें। अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो 30 मिनट में आप शैम्पू कर ले, ओवरनाइट ना रखें, हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग कर सकते हैं। स्पेशली जब भी आप कोई भी केमिकल हेयर वैक्स या स्प्रे लगाए, आती एक बार शैम्पू से उसको अच्छे से हटा दें, नहीं तो आपकी स्कैल्प इरिटेट हो सकती है। एंड इफ पॉसिबल, मैंडेटरी नहीं है, अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद जैसे कि विटामिन सी या कोई मल्टी विटामिन होता है वैसे जिंक की टैबलेट आते हैं, बेसिक विटामिन है, आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो एंटी डैंड्रफ मास्क की, सुपर डुपर इफेक्टिव, सालों से यूज करता आ रहा हूं, जब भी मुझे डैंड्रफ होती है बहुत इफेक्टिव है। 3 सुपर फूड्स हैं, पहला फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, प्रोटीन में रिच, निकोटिनिक एसिड, लाइसिथिन है, इजी भाषा में समझाऊं तो आपकी जो स्कैल्प है उसको हाइड्रेट करता है, स्कैल्प की सारी प्रॉब्लम विद डैंड्रफ को जड़ से हटाता है, इवन हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। 3 टेबलस्पून इसका पाउडर लेना है, 2 टेबलस्पून आपको योगर्ट लेना है यानी कि दही, आपको 2 टेबलस्पून साथ ही साथ कोकोनट ऑयल लेना है, तीनों को मिक्स करना है, आपको स्कैल्प पे लगाएं, 15 मिनट रखें, माइल्ड शैम्पू कर ले। आपको ये नहीं करना सिर्फ अकेला, हफ्ते में एक बार परफॉर्म करने के बाद आपको लेमनेड लेना है अल्टरनेट डेज पे, और जब आप लेमनेड नहीं लेंगे आपको लेना है नीम का 1 टेबलस्पून रस सुबह खाली पेट। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे हफ्ते के अंदर आपकी डैंड्रफ को जड़ से हटा देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।